हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी चेहरे का कलर बिल्कुल ही झुलस चुका है, धूप की वजह से सन टैनिंग की समस्या हो गई है, या आपके चेहरे का कलर काला है और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर अच्छा सा ग्लो आए, अगर आपको कहीं शादी में पार्टी में जाना हो अचानक से और आपने फेशियल नहीं कराया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर तुरंत ग्लो दिखाई दे, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इफेक्टिव मैजिकल फेस पैक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे, अगर रात को प्रयोग करते हैं तो सुबह में आपको बहुत ही अच्छा ग्लो दिखाई देगा, या शादी पार्टी में जाने से 30 मिनट पहले इस पैक को लगा लेते अपने चेहरे पे, तो गजब का निखार आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा, फेसियल से भी दोगुना रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए जो हम इसमें फर्स्ट और मेन इन्ग्रीडियंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको फेयर एंड लवली क्रीम का प्रयोग करना है, जो कि आपको पाउच में भी मिल जाता है और बहुत ही सस्ता है, आपको एक कॉस्मेटिक की दुकान पर भी मिल जाएगा या किसी भी किराने की दुकान पर भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको पाउच ले लेना है और एक बाउल ले लेना है और इसमें फेयर एंड लवली क्रीम को डाल देना है। आपको आवश्यकता अपने अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फेयर एंड लवली क्रीम का यूज करना है। मैं बता दूं कि ये फेयर एंड लवली क्रीम काफ़ी पुराने समय से आपके चेहरे के रंग को सुंदर करने में, गोरा करने में प्रयोग किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव क्रीम होता है, लेकिन हम इसमें जो पैक तैयार करेंगे वो बहुत ही इफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ों का यूज करेंगे। तो इसको पहले आपको चम्मच से इस तरीके से फेंट लेना है, क्योंकि जब आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे, तो जो है क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है और बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको फेंट लेना है। जो हम इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, उसके लिए आपको लेमन यानी कि नींबू का प्रयोग करना है। मैं आपको बता दूं कि नींबू जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी, जो कि आपकी चेहरे के रंग को साफ करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर आपको आधे नींबू के रस का प्रयोग करना है, लेकिन जरूरत पड़े तो आप एक और भी नींबू के रस का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा नींबू लिया हुआ है, पहले मैं आधे नींबू के रस को डालूंगी इसमें। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप इसमें फेयर एंड लवली क्रीम में नींबू के रस को डालेंगे और जब आप इसे फेंटना शुरू करेंगे, तो जो है फटने लगेगा, जैसे कि हम दूध में नींबू को डालते हैं और फटता है, उसी हिसाब से जो है फटेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फट गया। लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे ये बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। यहाँ पे और भी मैंने जो है रस कम पड़ गया था, तो मैंने नींबू के रस को ले लिया है, तो आप जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से तब तक फेंटना है जब तक ये जो है बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में ना हो जाए, जो भी फट रहा था वो बिल्कुल ही मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है और ये बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर में हो चुका है, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फेयर एंड लवली क्रीम में जब आप नींबू को प्रयोग करते हैं मिलाकर, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम थर्ड इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसके लिए आपको चीनी का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट चीनी का प्रयोग नहीं करना है, ये जो है एक स्क्रब की तरह काम करता है, आपके स्किन से जो रिंकल्स, चुहियों की समस्या होती है, डर्ट होते हैं, उनको रिमूव करता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट चीनी का प्रयोग नहीं करना है, इसे आपको पीस कर पाउडर बना लेना है। और मैंने इसे पीस कर पाउडर बना लिया है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेस पैक में हम इसका यूज करते हैं, तो मैंने भी बनाकर रख लिया है। तो यहाँ पे आपको आधा चम्मच चीनी के पाउडर का प्रयोग करना है। इसी तरीके से आप भी चीनी के पाउडर को बनाकर और एक डिब्बे में भर के रख लीजिए और जब जरूरत पड़े आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे आपको डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसमें जो हमने इन्ग्रीडियंट्स यूज किए हैं, नींबू और चीनी, जब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके आप इसे रेमेडी को तैयार करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल रिजल्ट देने वाला बन जाता है। आप देख सकते हैं टेक्स्चर इसका बिल्कुल ही क्रीमी टेक्स्चर में है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। जहाँ पे भी अप्लाई करना है, जैसे आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, सबसे पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए फेस वॉश से। उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो उसको लगा लीजिए पहले अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से, और इसे मसाज कर लीजिए। इससे आपके जो मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि इस पैक को लगाने के पहले आपको मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया और अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजर स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इस पैक को लेंगे और अपने हाथों पर, यानी कि आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, तो चेहरे से लेकर गर्दन तक अच्छे तरीके से इस पैक को अप्लाई कर लीजिए। जितना जरूरत पड़े आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप अप्लाई करने के बाद आपको इसे 2 मिनट के लिए मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैं अपने हाथ पे भी आपको करके दिखा रही हूँ। 2 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ूंगी,
उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट के बाद देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये सूख चुका है, इस तरीके से ही दिखाई देगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसे उतारना कैसे है। तो इसको डायरेक्टली पानी से नहीं धोना है, आपको एक कॉटन का टॉवल लेना है या रुमाल ले लेना है और इसे पानी में भिगो देना है और इस तरीके से आपको पोंछना है, इसे धोना नहीं है। जैसे ही आप इसे पोंछेंगे, अच्छे तरीके से पोंछ लेना है, तो आप देखेंगे कि आपके स्किन पर गजब का ग्लो दिखाई देगा। स्किन वहाँ की बहुत ही ज़्यादा साफ नज़र आएगी, जैसे कि आप मेरे हाथों पर ही फर्क देख सकते हैं कि इस तरीके से जब आप पोंछेंगे तो लगेगा कि आपकी स्किन कितनी साफ हो गई है, मुलायम एकदम सॉफ्ट दिखाई देगी और स्किन का कलर बहुत ही अच्छा लगेगा और ग्लो भी दिखाई देगा, जैसे कि आप मेरे हाथों पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव और मैजिकल इंस्टेंट ग्लोइंग देने वाला फेस पैक है। जब भी आपको कहीं पार्टी में जाना हो और आपने फेशियल नहीं कराया हो तो इस फेस पैक को जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। इससे आपकी स्किन का रंग साफ होने लगता है, क्योंकि हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, शुगर और नींबू का, फेयर एंड लवली में जब हम इन दोनों चीज़ों का यूज करते हैं तो ये जो रेमेडी है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो आप इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिएगा शादी पार्टी में जाने से पहले, या वीक में अगर आप ऐसे भी 2 से 3 बार यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो दिखाई देगा। तो आप इस मैजिकल फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी होम रेमेडीज की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।